शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए इन बीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। भारत चीन में हुई झड़पों में भारत के 20 जवान शहीद हुए थे। चीन द्वारा काफी बर्बरता से जवानों पर हमला भी किया गया, जिसका निषेध करते हुए खासगी वाहन वाहक एसोसिएशन की ओर से शहीद जवानों को संविधान चौक पर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। गलवान घाटी में जिस प्रकार से चीन और भारत के बीच में जो भिड़ंत हुई, जो झड़पें हुई, उसके अंदर में चीन द्वारा भारतीय जवानों को इस तरह से प्रताड़ित किया गया, उनके ऊपर में जो अत्याचार किया गया है, किन खिलों से उन्हें उनकी हत्या कर दी गई है, जिसका विरोध पूरे भारतवर्ष में हो रहा है। भारत के लोग शहीदों के प्रति उनके आंखों में आंसू है, तो वहीं चीन के लिए अंगार के शोले दिखाई दे रहे हैं। इस समय में संविधान चौक पे इन बीसीएन की टीम है, ये तमाम लोग यहाँ पे मौजूद है जो श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पे आए हुए हैं। आइए उनसे जानना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भारत चीन सीमा पार गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए लोग आए हुए हैं। सर, ये बताइए, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से गलवान घाटी में जो घटना हुई है? भारत चीन जो गलवान घाटी है, वहाँ पर चीन के सैनिकों ने अपने साथ सैनिकों के साथ बहुत ही बर्बरतापूर्वक ये अत्याचार किया है। जो इंटरनेशनल जो सैनिक कायदा कानून है, उनके खिलाफ वो गए हैं, जिन्होंने बहुत ही जितना अपने जो संधि किए भाईचारे के साथ में, उनके साथ में पंचशील करार के साथ में अपन चल रहे हैं, वो इंटरनेशनल रूल का पूरा उल्लंघन करते जा रहे चाइना वाले, और अपने सैनिकों पर वो लोहे के बैट्स में लोहे के खिले डाल के उनको इस तरह से मारा जा रहा है, वो अपन कदापि सहन नहीं करेंगे। और उनका जो व्यापार अपने यहाँ चल रहा है चाइना का, वो चाइना का व्यापार आप सब लोग, हम सब मिलके उस व्यापार को खत्म कर देंगे। यहाँ अपने ही स्वदेशी अपनाएंगे तो उनका व्यापार खत्म हो जाएगा, तो उनकी ताकत खत्म हो जाएगी। हम यहाँ पर श्रद्धांजलि करने के लिए आए हैं, और भी जवानों की जो, और मोदी जी कह रहे हैं कि वहाँ पर जवान नहीं पहुँचे और किसके आधारित पहुँचे, ये भी एक गलत दिशा में बोला जा रहा है उनका। तो इस पर यहाँ पर 20 लाशें हमारी, आज 20 शहीद जवान हो गए, इस पर किसने कोई ये नहीं है, संज्ञान नहीं है उसका, और हम उसका और उनके चीन सामानों का विरोध करने के लिए भी खड़े हो रहे। बिल्कुल, जिस प्रकार से चाइना द्वारा जो कामकाज किया जा रहा है वो बहुत ही गलत है, और इसीलिए संविधान चौक हमारे ठीक पीछे में है, संविधान चौक में हम लोग खड़े हैं, और इन लोगों ने पूरी तरह से चीन का निषेध किया है, विरोध किया है, और तमाम जवानों को यहाँ पे भावपूर्ण तरीके से श्रद्धांजलि दी है। एक बात तय है कि जब जब भारत में इस प्रकार का कोई संकट मंडराता है या इस तरह की जो बातें होती है, वारदात होती है, पूरे भारतीय लोग एक होते हैं, और यही एकता की मिसाल एक ताकत बनती है, जिसके चलते भले ही कोई देश हमें कितनी भी आंखें बताए, मगर उनके आंखों में वो रोष्ट नहीं, वो तेज नहीं जो हमें उनके आगे झुकना पड़े, क्योंकि भारत भारत है। ईंट का जवाब पत्थर से देना भारत बखूबी के साथ जानता है, समय देख के ही कामकाज होता है, और यही भारत की खासियत है। संविधान चौक से कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मीरे, इन बीसीएन न्यूज़ नागपुर।